हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं नीतू कुमार। कैसे हो आप सब? भाई आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो कि आपको फेस के साथ साथ आप फुल बॉडी को व्हाइटनिंग कर सकते हो। तो क्या ये सच में अपने फुल बॉडी को व्हाइटनिंग करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि फेस के साथ साथ अपने पूरी बॉडी को गोरा करने वाला ये प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट का नाम भी जानेंगे और किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से ये बना हुआ है, क्या क्या सामग्री से बना हुआ है, ये सब जानेंगे। और कितनी प्राइस की मिलेगी वो भी जानेंगे, कहाँ मिलेगा वो भी जानेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और ऐसे ही प्रोडक्ट मत खरीदा करो, पहले उसके बारे में जानकारी लेकर ही आप लोग खरीदा करो, क्योंकि आप अपनी स्किन पर लगाने वाले हो और स्किन अपनी बहुत ज़्यादा अनमोल होती है। कोई नहीं चाहता कि अपनी स्किन को ख़राब करना, ठीक है। जैसे भगवान ने आपको स्किन दे रखी है उसी में ही आप खुश रहो, क्योंकि हम ऐसे कुछ भी प्रोडक्ट आप यूज कर ले तो उससे स्किन खराब ही होती है, सुधरती नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, तो प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए बात करते हैं इस प्रोडक्ट का नाम जान लेते हैं। तो अक्सर आप सभी ने सुना होगा कि काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट्स है, तो काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा इसका नाम भी और खरीदे भी होंगे, लगाए भी होंगे। अगर लगाए हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा क्या रिजल्ट मिला है इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का नाम है माई सूर्य सैंडल सॉफ्ट है, इस टाइप का ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये एक साबुन है, ठीक है। तो अक्सर आप नहाते हो, फेस वॉश करते हो, कुछ फेस वॉश से यूज करते हो, कुछ होते साबुन से ही अपना फेस वॉश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जब भी आप कुछ भी देखो नहाते हो तो आप कोई ना कोई साबुन आपका फेवरेट होता है, कुछ आपका किसी का फेवरेट होता है, कुछ ऐसे ही लगा लेते हैं बस, ठीक है। तो ये साबुन क्या करता है, अपने स्किन को वाइटनिंग करता है, फेयर करता है, अपनी स्किन को लाइटनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। फेस के साथ साथ ये पूरे बॉडी में आप लगा सकते हो, तो ये पूरी बॉडी को ही खूबसूरत करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो आप सभी को पता है ये सैंडल सॉफ्ट मतलब ये सैंडल मतलब चंदन का ये साबुन बना हुआ है। सैंडलवुड ऑयल का मतलब हुआ कि चंदन की लकड़ी का जो तेल होता है ना उससे ये साबुन बना हुआ है, ये सॉप बना हुआ है। तो अपने स्किन पे ये पिगमेंटेशन को भी रिमूव करता है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है या फिर अपने स्किन पे डार्क स्पॉट होता है, अपने स्किन पे कैसा भी दाग धब्बा होता है उसको ही रिमूव करता है ये साबुन। काफ़ी अच्छा साबुन है, काफ़ी लोग इसको खरीद रहे और काफ़ी लोगों को अच्छा ही रिजल्ट मिला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट है और काफ़ी लोग इसको खरीद रहे हैं। ये लोकल मार्केट में आपको बड़ी आसान से मिल जाएगा, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप लोगों को ओनली 85 रुपीज़ में ये मेडिकल स्टोर में खरीद लो, चाहे ऑनलाइन खरीद लो या फिर आप लोकल मार्केट में खरीद लो, आपको बड़ी आसान से मिल जाएगा। देखो प्राइस आपको कम ज़्यादा मिल जाएगा, कभी किसी के यहाँ तो ज़्यादा मिलती है, कभी किसी के यहाँ कम मिलती है, ठीक है। तो लगाना किस तरीके से, तो लगाना आप सभी को पता है नहाते कब हो, सुबह नहाते हो, नाइट में नहाते हो, तो आप नाइट में भी लगा सकते हो, डे में भी लगा सकते हो, ठीक है। आप दो टाइम आप इसका यूज कर सकते हो। अब देखो नाइट में आपको नहाना नहीं हो रहा है तो आप अपना फेस वॉश तो कर सकते हो इससे, तो आप फेस वॉश भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको खरीद सकते हो, क्योंकि देखो आप नहाते हो तो कोई ना कोई तो साबुन आप यूज करते ही हो। तो एक बार ये भी ट्राई करके देख लीजिएगा आपका क्या जाता है। अगर इस साबुन को आप लगा रहे हो, पहले आप अपने यहाँ पे चेक कर देखो, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो, चाहे कोई साबुन हो, चाहे कोई क्रीम हो, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट हो, वो आप अपनी स्किन पे लगाने वाले हैं, तो उससे पहले आपको चेक कर लेना है कि ये प्रोडक्ट अपनी स्किन पे कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं दिखा देगा। तो आपको पहले चेक कर लेना, हल्का लगा के देख लेना है, कोई जलन खुजली इस तरह की प्रॉब्लम आए तो सबको नहीं लगाना है। अगर तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ रही आप अपने फेस पर लगा रहे हो तो आप इसको पूरे बॉडी में भी लगा सकते हो, ठीक। बार आप डॉक्टर से पूछ के जरूर यूज कीजिएगा, ऐसे यूज ना कीजिएगा, क्योंकि अपनी स्किन देखो किसी की देखो ये तो स्किन टाइप्स के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि पूछने से आपका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आप अपनी स्किन पे लगाने वाले हो। मैं नहीं चाहती मैं नहीं चाहती किसी की स्किन खराब हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम देखो ये जो शॉप होते हैं कुछ टाइम खुशबूदार होते हैं, कोई कैसे होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल जरूर डाला हुआ होता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको देखो एक सप्ताह से आपको करना क्या है वो बताती हूँ। कच्चा दूध लेना है, कच्चे दूध से आपको अपने फेस को वॉश करना है, क्लीन करना है, मसाज करना है। इस तरीके से आप अपनाओगे ना, ये कच्चा दूध आपकी स्किन के लिए आप डेली भी यूज कर सकते हो, जैसे फेस वॉश करते हैं उसी तरीके से आप 5 मिनट कच्चे दूध से मसाज करिएगा और फिर बाद में फेस वॉश कर लीजिएगा। जैसे देखो आपके एक हफ्ते से आपको क्या करना है, आपको करना है कच्चे दूध से नहा लेना है, जैसे मतलब ज़्यादा भी नहीं लेना, पानी के अंदर आपको कच्चा दूध डालना है, फिर उसी पानी से आपको नहाना है, उससे आपकी स्किन पे निखार आएगा, चमक आएगा, आपकी स्किन थोड़ी लाइटनिंग होगी। और अगर पूरी बॉडी में नहीं कर लगा सकते, नहीं नहा सकते, तो आपको करना क्या है, देखो फेस को अगर फेस पर आपके दाग धब्बे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी स्किन पर, तो आपको करना क्या है, कच्चा दूध लेना है, जैसे आप उन फेस वॉश करते हैं ना उसी तरीके 5 मिनट आपको मसाज करना है, मसाज करना है, और सिंपली आपको सिंपल वाटर से आपको फेस वॉश कर लेना है, मतलब पानी से धो लेना है।
ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए पानी, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ओनली आपको पानी से ही धोना है, कुछ भी साबुन फेस वॉश कुछ भी यूज नहीं करना है, आपको ओनली पानी से ही आपको फेस वॉश करना है, ठीक है, धो लेना है। इस तरीके से आप रेगुलर यूज़ करोगे ना 15-20 दिन तक आप लगा के देख लीजिएगा, आपकी स्किन पे अलग ही निखार आएगा गाइस, ये काफ़ी अच्छे है। देखो जो अपने दादी नानी जो बताते हैं ना, पहले के लोग बड़े बुजुर्ग अपने को ये सब चीज़ें बताते ना कि ये लगाओ, पहले के लोग क्या लगाते थे, ये सब चीज़ें तो यूज़ करते थे। तो उनकी स्किन देखो और अपनी स्किन देखो, अपनी स्किन पे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना वैसे के वैसे अपने स्किन पे क्या आना स्टार्ट हो जाता है, एक में पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उनकी स्किन एकदम मस्त एकदम ऐसे, मतलब उनकी स्किन पे कुछ भी दाग नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे वैसे कुछ भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते थे, वो ओनली सिंपली बस पानी से नहाते थे, और जो भी अगर उनका होता था तो कभी हल्दी पाउडर का, कभी बेसन का, इन सब का लेप लगा लेते थे, दूध से अपना फेस वॉश कर लेते थे, बस ये सब करते थे और कुछ नहीं करते थे वो लोग थे वो लोग। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, एंड करते इस वीडियो को, और आई होप इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके जरूर बताएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने वॉच किया इस वीडियो को उनको बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।